आज मैं ऑर्गेनिक नींबूओं से क्लासिक खट्टा मीठा अचार बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने फार्म के ऑर्गेनिक नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू का अचार हमेशा नींबू के छिलके के साथ ही बनाया जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे नींबू बिना किसी वैक्स और केमिकल के उगाए गए हों। नींबू घर पर उगाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर की छत पर एक गमले में भी उगा सकते हैं। चलिए अचार पर आते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने 3 किलो नींबू लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से ही धोकर साफ कपड़े से सुखा लिया है। नींबू को अब मीडियम साइज टुकड़ों में काट लेंगे। फिर उसमें 400 ग्राम नमक, 50 ग्राम काली मिर्च पाउडर, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम ही लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से नींबू पर लग जाए। अब नींबू को एक साफ सूखे मर्तबान में डाल लेंगे। आप कोई और नॉन रिएक्टिव कंटेनर भी ले सकते हैं, जैसे कांच का जार। मर्तबान को बंद कर लेंगे और लगभग 7 दिनों तक, या फिर जब तक नींबू अच्छी तरह से गल नहीं जाते, तब तक धूप में रखेंगे। अगर धूप ना हो तो आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। काफी जरूरी है कि आप बीच बीच में मर्तबान को अच्छे से हिलाते रहें। जब नींबू गल जाएं, तब इसमें हम 2 किलो चीनी डालेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मन कर गया ना खाने का। इस अचार में नमक और चीनी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इसलिए यह अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। अब अचार को हम एक बार फिर लगभग 3 से 4 दिन के लिए ढककर रख देंगे, ताकि इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह से नींबूओं के साथ घुल जाए। अब आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। वाओ, कलर कितना सुंदर आया है। चलिए देखते हैं खाने में ये कैसा है। बहुत बढ़िया, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, ये अचार आपको बहुत पसंद आएगा।